हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। Hey guys, this is Rosalind D. Costa from Goa. आज मैं आप सभी लोगों से कुछ फालतू की बकवास करने वाली हूँ। And I don't know कि आप लोगों को मेरी बातें कितनी समझ में आने वाली है। वैसे मैं ये भी नहीं जानती कि आप लोग मेरी वीडियोस देखोगे भी या नहीं। Okay, let's start it. So, जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, राइट? लाइक आई हैव लिस्टेड 101 थिंग्स व्हिच आई वांट इन माय लाइफ, एंड ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं व्हिच आई डोंट वांट इन माय लाइफ, लाइक शादी। नो वे, शादी तो मैं 10 साल तक नहीं करने वाली किसी भी सूरत में, क्योंकि मेरे विश लिस्ट में पहला नंबर है लंदन। यस, आई वांट टू सेटल इन लंदन। आई वांट माय ओन स्पेस, माय इंडिपेंडेंस। ये शादी, बच्चे, ऐसे टिपिकल लाइफ मुझे नहीं चाहिए। नो वे। ओके गाइस, सो बाय बाय। हम सब जिंदगी में काफी सपने देखते हैं, काफी कुछ पा लेना चाहते हैं, लेकिन कई बार हकीकत कुछ और ही होती है। हकीकत वो शब्द जो अक्सर इन सपनों से काफी दूर हमसे उस मोड़ पे मिलता है जिसे हम कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता कहते हैं। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस एपिसोड में हम गोवा के रोजलिन डी कोस्टा की एक ऐसी कहानी देखेंगे जिसकी हकीकत उसके सपनों से बिल्कुल उल्टी थी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि उसके सपनों तक जाने वाला रास्ता कितना लंबा क्यों न हो, वो उसे पार करेगी। यहाँ क्यों बुलाया? Well, we are getting married today. शादी? Are you serious? Yes, of course. I know, Rosalind, कि तुम्हें lavish wedding चाहिए थी, but this is more important कि हम शादी कर रहे हैं finally, yes? है ना? Yes, you're right. और यही तो मेरी destiny थी। तो चलो अंदर wait. अरे wait, थोड़ा makeup तो कर लेने दो। After all, I am the bride. नहीं, अंदर सब इंतजार कर रहे हैं। Just give me 10 minutes, please, please, please. Okay. Thank you. आती हूँ। दादा आपको बुला रहे। ओके, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। मेरे और मेरे सपनों के बीच और कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। कितनी बार बोले तुझे प्रशांत से दूर रहे? कितनी बार बोले प्रशांत से दूर रहे? बिजनेस स्ट्रीट में तुझे साथ में सुला था, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुझसे शादी कर लेगा। तेरी नजर ना सिर्फ प्रशांत के पैसे और प्रॉपर्टी पे। पहले जाकर ना अपने पति को कंट्रोल में कर। अगर आज मैं चर्च से भागी नहीं होती ना, तेरे घर में तीसरे कमरे में मैं बैठी होती, समझ में आया ना तुझे? और अगर मुझे गलती से इंटरेस्ट आ गया ना उसमें, तो 2 दिन में तुझे लात मार के घर से बाहर निकाल देगा, समझ में आया? क्या बोलेगी तू? अरे क्या कर रहे तुम लोग? अरे छोड़ो दूसरे को। रोजी क्या है? वाह, एक तरफ प्रशांत, दूसरी तरफ मुर्तजा। और कितने को कहां कहां फंसा के रखा है? और कितने आशिक है तेरे? माइंड योर टंग, वरना ज़बान खींच लोगे मैं, देख समझी? माइंड योर लैंग्वेज। अगर मुझे अगली बार तेरे प्रश्न के बारे में कुछ पता चला ना, तो याद रख, जिंदा लटका दूँ। क्या बोलिए? तुम्हारे प्रशांत के बारे में तुम ये सब कर रही मेरे पीठ पीछे? तुम आज उस प्रशांत से शादी करने वाली थी की तो नहीं ना?
तुम्हें पता है वो प्रशांत कितना सनकी है? उसने मेरे अगेंस्ट सुसाइड लेटर लिख रखा है। वो हमेशा मुझे धमकी देता रहता है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो खुद मरकर मुझे फंसा देगा। और आज भी सरप्राइज के नाम पर उसने मुझे चर्च पे बुलाया, और जब मैं वहां गई तो मुझे पता चला कि मैं खुद की शादी पर आई हूं। तुम मुझे डबल क्रॉस कर रही हो। तुमने अभी तक उसके साथ सोना बंद नहीं किया? ठीक, जो मन में आए होगा। फरिया से बात कराना, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कौन बोल रहा है? अरे मम्मी, आपकी बेटी रोजली। मेरी बेटी का नाम तो फरिया है, और वो इस वक्त मार्केट गई है। अरे मम्मी, मेरी बात तो सुनो। रोजली, फरिया से बोलना कि रोजलीन का कॉल आया है। दोबारा फोन मत करना। हेलो हेलो मम्मी। शरद भाई, आप दरवाजा बंद रखा करो, जमाना ठीक नहीं है। अच्छा, दरवाजा खुला था। 2 महीने का रेंट बाकी है, और वो जो उधारी ली थी उसका EMI कब तक चुकाओगे? शरद भाई, बस 1-1.5 हफ्ते का और वक्त दे दीजिए, पैसे आते ही लौटा दो। सुना है कि तुम गोवा छोड़ के जा रही हो? हाँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके पैसे देकर जाऊंगी। मुझे किस बात की टेंशन है? तुम चली भी गई तो तुम्हारी मम्मी और बहन तो गोवा में रहने वाले है ना। शरद भाई, मैं आपको 2 हफ्ते बाद पैसे पहुँचा दूंगी। ठीक है। ये एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी में काम करती है। ये देखिए सर, यहाँ गले पर मार और बॉडी पर कोई भी स्ट्रगल के निशान नहीं। सुसाइड है सर। कोई फाउल प्ले? लगता नहीं है सर। दरवाजा अंदर से लॉक था, घर का कोई सामान भी बिखरा हुआ नहीं था, कैश ज्वेलरी कुछ भी नहीं थी सर। बस ये एक मोबाइल मिला है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। और कुछ पता चला सर? पड़ोसियों ने बताया कि अक्सर इसके घर पर एक शख्स आता था, शायद वो उसका बॉयफ्रेंड। बताया कि उस शख्स को 2 हफ्ते पहले यहाँ देखा गया था, और वो अकेला ही है जो अक्सर यहाँ पर आया जाया करता था। सर, बॉडी को देखकर तो लगता है कि सुसाइड किए हुए बहुत दिन हो गए। दरवाजे और खिड़कियाँ सब बंद थे, इसलिए पड़ोसियों को कुछ पता नहीं चलता। लड़की की उम्र कम लगती है, हो सकता है बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ हो और डिप्रेशन में आके उसने ये कदम उठा लिया। दिलेश, यही स्टूल सुसाइड के लिए इस्तेमाल हुआ? जी सर। सर, पूरा घर चेक कर लिया, कहीं पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। सर, ये तो किसी टी शर्ट या शर्ट का बटन लगता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज, और ये बटन और विक्टिम का मोबाइल एनालिसिस के लिए भेज। जी सर। सर, रोजलिन डिकोस्टा को हमने पिछले महीने ही काम से निकाल दिया था। रीजन? काम पर उसका ध्यान नहीं था इसीलिए। जब आप उससे आखिरी बार मिले थे तब वो क्या डिस्टर्ब थी?
जैसे सुसाइडल टेंडेंसी या बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप? सर वो हमारे ऑफिस में बस एक एम्प्लॉय थी, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते, तो आई एम सॉरी। हमें रोजलिन डिकोस्टा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका एड्रेस और ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। श्योर सर। हमसे मिलने नहीं आ पाती थी और इसीलिए मम्मी भूल जाती थी कि उनकी दूसरी बेटी भी थी। आप लोग कहाँ रहते हैं? सर हम मापसा में रहते हैं और दी यही रेंट पे पंजी में रहती थी। आपको कोई आइडिया है कि रोजलिन ने सुसाइड क्यों किया? सुसाइड? सर मेरी दी सुसाइड क्यों करेंगी? दी के तो बहुत बड़े बड़े सपने थे, उन्हें लंदन जाना था हायर स्टडीज के लिए, एक बेटर करियर, एक बेटर लाइफ के लिए। सर मेरी तो सुसाइड कर ही नहीं सकती। फरिया कुछ सपने फिल्मों से ज्यादा अनरियल होते हैं, उन सपनों के टूटने का शोर हर कान बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ, आओ। ये है रुबीना का कमरा, ये बच्चों का, तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ, कम आओ। ये है हमारा कमरा, रुबीना को हम यहाँ से दूरी रखेंगे। हा? कैसा लगा? बहुत अच्छा। वाह। फिर 4 BHK कब लोगे? नहीं फिर तीसरी भी तो आएगी ना, फिर 5 BHK ले लेना। 6 BHK? मैं तो कहती हूँ ना एक विला ले, या फिर महल, वो पुराने जमाने में होता था ना 100-200 कमरे वाला, राजा प्रशांत और उनकी रानियां। प्रशांत मैं निकलती हूँ, कल ऑफिस में मिलूंगी। What's this nonsense? वो आपको और अपनी पहली बीवी को एक साथ एक घर में रखना चाहता है। अरे आप वहाँ काम भी क्यों कर रही हैं? छोड़ दीजिए ना। तो फरिया तू अभी बच्ची है, जिंदगी की प्रैक्टिकलिटी तुझे नहीं पता है। लाइफ में जीतने के लिए एक तरफ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, और लाइफ प्लानिंग से चलती है, कोई इमेजिनेशन से नहीं। नहीं ऐसे कॉम्प्रोमाइज से आप खुश हो? नहीं एक ही शहर में रहने के बावजूद हम कहीं हफ्तों तक महीनों तक मिल नहीं पाते, और ये जरूरी थोड़ी है कि लाइफ में हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, प्लान्स चेंज भी तो हो सकते हैं ना। सर दी से 2 हफ्तों से मेरी बात नहीं हो पा रही थी, तो मुझे लगा कि शायद वो अपने बिजनेस ट्रिप में चली गई होंगी, लेकिन फिर उन्होंने मुझे फोन पे बताया कि वो नहीं जाएंगी क्योंकि किसी ने उनको 25 लाख रुपए दिए थे। 25 लाख रुपए? किसने? कुछ नहीं, तुम्हें मिस कर रही थी। लव यू, बाय। अच्छा लव यू? हाँ किससे बात हो रही थी? ओए मेरा फोन। पहले मुझे बता किससे आई लव यू बोलना चाह रहा था। मेरा नहीं। अरे नहीं फोन ले। अच्छा वो बता ना। ओके ओके बता रही हूँ, बहुत प्यार करता है मुझसे, बहुत जल्द मिलवाऊंगी भी तुझे उससे। ओके लेकिन तब तक के लिए तो ये समझ ले कि तेरी दीदी बहुत जल्द लंदन में होगी। सच में? यस, लेकिन उससे पहले मुझे इंग्लिश एफिशिएंसी का टेस्ट देना होगा, वो मैं घर आने के बाद दे दूंगी, लेकिन उसके पहले मुझे एक कॉमन टेस्ट का फॉर्म भी भरना है। मतलब आप यही रहोगे? हाँ लेकिन जब तक लंदन नहीं जाती तब तक कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं इमीडिएटली जॉब नहीं छोड़ सकती, लेकिन उसके बाद तेरी दीदी उड़ जाएगी। सपनों और हकीकत के बीच में रोजलिन की जिंदगी उलझी हुई थी, एक तरफ उसका बॉयफ्रेंड था और दूसरी तरफ अपने ही बॉस के साथ उसके नाजायज संबंध थे। अपनी जिम्मेदारियों और अपने सपनों के प्रेशर की वजह से उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ झूठ बोलना पड़ता था। शायद इसी सब से तंग आकर
रोजलिन ने सुसाइड कर लिया हो। सर मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरी जी सुसाइड कर ही नहीं सकती। मैं अपने दी को अच्छी तरीके से जानती हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरी दी क्लॉस्ट्रोफोबिक थी, बंद जगहों पर उनका दम घुटता था, और अगर उन्हें सुसाइड करना भी होता तो ऐसे बंद कमरे में अपने आप को फांसी से लटका कर क्यों मारती। सर मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी दी का खून हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके बॉस प्रशांत ने उनका मर्डर किया है। मेरी दी के कूरी को ढूंढिए, मेरी दी सुसाइड नहीं कर सकती सर, मेरी दी को अच्छे से फरिया। हम इस केस की जांच बहुत अच्छे से कर रहे हैं। रोजलिन की जिंदगी के बारे में सुन के और उसके घर की जांच करने के बाद हमें अब भी यही लगता है कि तुम्हारी बहन रोजलिन ने सुसाइड किया। हाँ, दो दिन के लिए एक्सटेंड कर। सर रोजलिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मरने से पहले रोजलिन ने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, और सर बॉडी पर कोई स्ट्रगल के निशान भी नहीं है। उस बटन का कुछ पता चला? नहीं सर, उस बटन के बारे में अभी तक कोई लीड नहीं मिली, लेकिन लोकल टेलर और गारमेंट शॉप में बात कर रहे हैं। सर टेक्निकल टीम ने उसके मोबाइल को अनलॉक भी कर लिया, इस पर रोजलिन के कुछ वीडियोज भी हैं। वीडियोस? हाँ सर, वीडियो लॉग्स जैसे वीडियोस, जिसमें लोग खुद ही कैमरे से बातें करते हैं। ये रोजलिन का आखिरी वीडियो। Hey guys, I'm so excited today. कल 21 मार्च है और मैं कल अपने चैनल 10 का फॉर्म भरने वाली हूँ। You know, it's my first day towards my London team. सर रोजलिन ने ये वीडियो 20 मार्च की शाम को बनाया था, और रिपोर्ट के मुताबिक 20 मार्च की रात को डेथ हुई थी। आज से 14 दिन रोजलिन तो इस वीडियो में बहुत खुश लग रही है, जैसे कोई लड़की अपने सपनों को चेस कर रही है। हेलो, कैसे है? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ मैं रास्ते में हूँ। मैं अरे यार, जब मैंने इस महीने पिछले महीने का टारगेट पूरा कर लिया तो मैं अरे सर 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 क्या सर, अभी लग जाता ना आपको। क्या मैडम, फोन पे बात कर रही हो, हेलमेट हमने पहना नहीं है। चलिए लाइसेंस निकालिए। वो भी नहीं है। ऐसा नहीं है तो क्या आपके पास? चलिए चालान लगेगा 2000। 2000 रुपया? सर वो तो नहीं है मेरे पास। कल दूं आपको? मैं इसी रास्ते से रोज जाती हूँ, कल देती हूँ ना सर आपको। कल किसने देखा? सर हम देखेंगे ना एक साथ। अच्छा आप ऐसा कीजिए, अपना अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मैं UPI ट्रांसफर करती हूँ। पैसे ट्रांसफर करने के बाद ना मैं आपको मैसेज कर दूंगी, कॉल कर दूंगी। चलेगा आपको? चलिए चलिए जाइए आप, और ध्यान से, हर मोड़ पे मेरे जैसा पुलिस वाला नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, और हर रोज मैं इसी मोड़ से जाऊंगी अब तो। थैंक यू सर, टाटा। तुझे कितनी बार कहा है स्कूटी चलाते वक्त फोन पे बात मत किया कर, समझ में नहीं आता तुझे? अरे यार इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, अब तो रोज मैं इसी रास्ते से जाऊंगी, वो भी फोन पे बात करते करते। चल ठीक है मैं फोन रखती हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। तू भी ना, सुधरेगी नहीं। टीम में स्टेफी जैसी कोई नहीं है, हर सक्सेस रिपोर्ट इज 90%। हम सबको इससे सीखना चाहिए। बैंगलोर सिटी इंटरनेशनल होटल, दो लोगों के नाम से बुकिंग थी, एक तुम्हारे नाम से और दूसरी रोजलिन डिकोस्टा के नाम से। तुमने तो कहा था कि तुमने एक महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया था। सर ये रोजलिन की पुरानी डील थी, इसलिए उसे भी साथ जाना था। उसे फोन किया, उसका नंबर स्विच ऑफ था। ये मीटिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं उसका वेट नहीं कर सकता था। सर आप गलत आदमी पे शक कर रहे हैं, आपको तो रोजलिन के बॉयफ्रेंड को ढूंढना चाहिए। पिछली बार तो तुमने कहा था कि तुम अपने एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। सर उसने मुझे डबल क्रॉस किया था, मैं शादी करना चाहता था उसके साथ, लेकिन वो मेरे और मुर्तजा हम दोनों के साथ सोती थी, हम दोनों का यूज किया था उसने, इसीलिए तुमने उसे इतना टॉर्चर किया कि
परेशान होकर अंत में उसने खुदकुशी कर ली। सर मैंने अगर रोजलिन के साथ कुछ गलत किया होता तो मैं आपके सामने क्यों खड़ा होता? और मुर्तजा वो गायब क्यों होता? मुर्तजा मेरे बिजनेस का सबसे पहला फंडर है सर, इसलिए उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। जिस दिन से रोजलिन गायब हुई उसी दिन से मुर्तजा भी गायब है सर, अब ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना? जिस दिन रोजलिन ने सुसाइड किया 20 मार्च, उस दिन तुम उसे नहीं मिले थे? जी नहीं सर, वो धोखेबाज है, एक बार पहले भी चर्च के बाहर से धोखा देके भाग चुकी है। इसका डीएनए लो, रोजलिन की बॉडी से मिले सीमन सैंपल से इसका डीएनए मैच करो। भागने की कोशिश मत करना और शहर छोड़कर जाने की तो बिल्कुल भी। मुझे उस मुर्तजा का नंबर चाहिए। सर आप एक बार गोवा तो आइए, आपका सारा काम हो जाएगा। जी सर, हाँ मैं आपकी कॉल का वेट करूँगा। थैंक यू, हाँ थैंक यू सर, बाय। एक गायकवाड़ को क्या गोली दी तूने? किसी से क्रैक नहीं हो रहा था और तूने एक दिन में उसकी डील उड़ा दी। उसके साथ रात को मैं डिनर पे गई थी, डिनर करते करते डील भी क्रैक कर दी। अरे कभी कभी क्लाइंट के साथ थोड़ा पर्सनल होना पड़ता है। हाँ तू तो कुछ ज्यादा ही पर्सनल होती जा रही है। काश मैं भी एक लड़की होता तो भी तेरी तरह खूबसूरत इस रिसोर्ट का मालिक बन के बैठ जाता। अच्छा क्या बदतमीजी है ये? तेरी वजह से आज मेरी नौकरी चली गई। ऑलरेडी तो 10 एम्प्लॉई गिरा चुकी थी, आज तूने मेरी विकेट भी गिरा दी। ये जो तू 50-60 हज़ार पे अटकी हुई है ना, अगर प्रोफेशनली काम करेगी तो 50-60 हज़ार पर नाइट कमाएगी। What do you mean? सबको पता है तू कैसे डील क्रैक करती है, ज्यादा सती सवित्री होने का नाटक मत कर। और थप्पड़ मारा है आंधा ये बकवास की ना, तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा मैं। चल भाग यहां से। सर ये आपसे मिलना चाहते हैं। फरिया आपको बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप माइनर हो, आप अपने साथ अपनी मम्मी को भी परेशान कर रहे हो। सर मैं अपनी मम्मी को घर पे अकेला नहीं छोड़ सकती। बेटा कुछ पता चलेगा तो हम सामने से आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर कैसे पता चलेगा जब आप एक मर्डर को सुसाइड मान के बैठे? बेटा जस्ट ट्रस्ट मी, हम इस केस की जाँच बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब आप घर जाओ। सर प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। आजकल के बच्चे सुसाइड करने से पहले ये नहीं सोचते कि उनके जाने के बाद उनकी फैमिली का क्या होगा। सर सर ये रोजलिन की बैंक अकाउंट डिटेल्स है, उसके अकाउंट में 25 लाख रुपए मुर्तजा शेख ने डाले थे और वो उसके फ्लैट का रेंट भी पे करता था। सर मुर्तजा की ये फोटो बैंक से मैंने निकलवाई, जब रोजलिन के पड़ोसियों को दिखाई तो उन्होंने इसे पहचान लिया। ये वही शख्स है जो रोजलिन के घर पर अक्सर जाया करता था और उसके फ्लैट की चाबी भी इसके पास थी। जिस रात रोजलिन की मौत हुई उसी रात इसका फोन भी बंद हो गया और इसने अगले दिन 20 लाख रुपए अपने अकाउंट से निकालकर अपने अकाउंट को खाली कर दिया। ये शख्स अब कहाँ है अब किसी को कुछ पता नहीं। प्रशांत का डीएनए मैच हुआ? सर अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। इस मुर्तजा से 25 लाख रुपए लेने के बाद रोजलिन एक फाइनल बिजनेस ट्रिप पे जाने वाली थी। हो सकता है ये बात मुर्तजा को पसंद ना आई और दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रोजलिन ने सुसाइड कर लिया? एक काम करते हैं, रोजलिन के घर को री इन्वेस्टिगेट करते हैं, शायद हम कुछ मिस कर रहे हैं। रोजलिन की उम्र 24 साल की थी। यूजुअली ऐसी लड़कियों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत पसंद होती है, रोजलिन को भी रही होती है, लेकिन हमें पूरे घर में सर्च के दौरान कोई ज्वेलरी नहीं मिली, ना ही कोई सुसाइड नोट। दिनेश जरा उसका वीडियो दिखाना, शायद उसमें उसने आर्टिफिशियल इयररिंग पहने थे। हाँ ये इयररिंग भी हमें घर में नहीं मिली, ना ही उसकी डेड बॉडी पर। वही स्टूल है ना जो आत्महत्या के वक्त इस्तेमाल हुआ था? जी सर। मेजरमेंट टेप लेकर आओ। सर दिनेश इस स्टूल की हाइट नापो। जी सर। सर 1.2 फीट। स्टूल 1.2 फीट, रोजलिन की हाइट 5.3 फीट। इस फैन से ग्राउंड की दूरी नापो। और हमें डेड बॉडी फैन से 1.5 फीट नीचे मिली थी। स्टूल की हाइट 1.2 फीट, रोजलिन की हाइट 5.3 इंच और हमें डेड बॉडी फैन से 1.5 फीट नीचे मिली थी। इसका टोटल हुआ 8 फीट और ग्राउंड से फैन तक की दूरी है 10 फीट। इसका मतलब
रोजलिन खुद अपने आप को फांसी लगा ही नहीं सकती। ऐसा तो नहीं कि उसकी बहन फरिया सच बोल रही है, उसने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। हो सकता है किसी ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद पंखे से लटका कर उसे मार डाला। किसी के फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। हो सकता है हत्यारा रोजलिन की जान पहचान वाला हो, जिसके लिए रोजलिन ने आसानी से दरवाजा खोल दिया। शायद उसका वो बॉस, या फिर वो उसका बॉयफ्रेंड जिसके पास हर वक्त एक चाबी रहती है। सर, फॉरेंसिक टीम ने एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। पैन और रस्सी पर रोजलिन के फिंगरप्रिंट्स नहीं है, किसी और के फिंगरप्रिंट्स हैं। और उनका कहना है कि शायद वो हत्यारे के हो सकते हैं। और सर, वो फिंगरप्रिंट्स प्रशांत के भी नहीं। और एक खास बात सर, अगर वो फिंगरप्रिंट्स हत्यारे के हैं तो हत्यारा लेफ्ट हैंडेड है। लेफ्ट हैंडेड किलर? जी सर। सर, जैसे कि रस्सी है और मैं राइट हैंडेड हूँ, अगर मैं रस्सी को यूँ पकड़ कर इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचता हूँ तो यहाँ फिंगरप्रिंट्स आएंगे, और अगर मैं लेफ्ट हैंडेड होता तो मैं इस तरीके से पकड़कर इस तरीके से खींचता और रस्सी के इस नॉट पर लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स हैं, मतलब हत्यारा लेफ्ट हैंडेड है। चेक आउट कर ले। यस सर। हाँ हाँ, जल्दी मिलते हैं। तुम ना स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेती हो। अच्छा, कल मिलते हैं, ओके? किससे बात कर रहे हो? रोजलिन नहीं तो तीसरी पकड़ लिया। बाद में बात करता हूँ। अगर तुम मुझसे अच्छे से बात करती है ना, तो आज मुझे किसी और से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। रोजलिन की डेथ की रात तुम बैंगलोर ट्रिप के लिए निकले थे? जी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तुम्हारी रात 2 बजे की फ्लाइट थी। हाँ, तो तुम्हारी वाइफ रूबीना ने बताया कि तुम घर से रात 9 बजे निकले थे, 5 घंटा पहले। इतना वक्त तो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए भी नहीं चाहिए होता। तुम रोजलिन के घर गए थे? सर, मेरा उस दिन रूबीना से झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं घर से जल्दी चला गया था। ये एयरपोर्ट से पहले तुम्हारा लोकेशन, रोजलिन का घर। अब सच बोलना, वरना वो हाल करूंगा कि झूठ बोलने लायक नहीं रहोगे। रोजलिन, तुम तैयार नहीं? अभी तक लेट हो रहे हैं, बैंगलोर जाना ट्रिप के लिए। मैंने कहा था ना, मैं नहीं जाऊंगी। रोजलिन, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे इस ट्रिप पर तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम मुझे प्रेजेंटेशन तो देने नहीं देते, अपने काम के लिए लेकर जाते हो। मैं नहीं जाऊंगी। रोजलिन, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। यू नो दैट आई कांट लिव विदाउट यू। तो पहले अपनी बीवी को डाइवोर्स दो, उसके बाद मेरे पास आना। नाउ प्लीज गेट आउट, वरना मैं शोर मचाऊंगा। मम्मी, फरिया से बात कराना, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कौन बोल रहा है? अरे मम्मी, आपकी बेटी रोजलिन। बेबी, क्या जरूरत थी उस शरत से पैसे लेने की तुमको? तो मैं क्या करती, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी मम्मी के ट्रीटमेंट में सारे पैसे खर्च हो जाते, ऊपर से वो मेरा लैंडलॉर्ड। एक नंबर का सूदखोर भी है, ये भी रिस्की होता है। अच्छा ठीक है, कल शाम तक मैं तुमको 5 लाख इंतजाम करके देता हूँ, तुम उसका पैसा वापस दो। थैंक्स, बट मुझे सिर्फ 2 महीने की ईएमआई के लिए चाहिए, बाकी मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा, तुम गैरों से पैसा ले सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम कल का कल उसका पैसा वापस करो। ये तो कलर जेरोक्स आधार कार्ड है, ओरिजिनल कहाँ है? ओरिजिनल क्यों चाहिए? होटल में भी KYC होने लगा क्या? कैश पेमेंट दे रहा हूँ ना। ठीक है, 2004 पे जाइए। सर, सर, साउथ गोवा के होटल में मुर्तजा शेख को पकड़ा गया है। वो वहाँ जाली आधार बनाकर स्टे कर रहा था। होटल के मैनेजर को डाउट हुआ तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। मेरी लोकल पुलिस से बात भी हुई, ये मुर्तजा शेख आज शाम तक हमारे कब्जे में होगा। ग्रेट। रोजलिन सुसाइड कर ही नहीं सकती सर, मैं जानता हूँ उसको, वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ ठीक है,
तूने मारा होगा उसे। मैं क्यों मारूंगा उसको, मैं तो प्यार करता था उससे, मैं मार ही नहीं सकता। ठीक है चाय पीते हैं, बाद में बात करेंगे। फीफी लेफ्टी है क्या? लेफ्टी है। हाँ सर। क्यों क्या हुआ? नीचे रख, हाथ नीचे रख, फिंगरप्रिंट मैच करो। सर मैं सच बोलूं, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। देखिए सर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मुझे पता चला ना कि रोजली ने सुसाइड कर दिया तो मैं डर गया था, इसलिए मैं भाग गया था। सर मैं सच तुम अपनी कहानी पे अड़ा रहे, अगली बार एविडेंस के साथ बात करो। सर मुर्तजा के फिंगरप्रिंट्स कातिल के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुए। व्हाट? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तक इस केस में हम उल्टी दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? अब तक इस केस में हम पर्सनल मोटिव तलाशने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि रोजलिन एक रैंडम टारगेट हो। सर कोई पेशावर मुजरिम? बिल्कुल, हो सकता है कोई मुजरिम लूटपाट के इरादे से घर में घुसा हो और उसे रोजलिन मिल गई। एक काम करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं ऐसे पेशेवर मुजरिमों की जो लेफ्ट हैंडेड हो और जिन्होंने विक्टिम को मारने से पहले उनका रेप किया। सर टोटल ऐसे 15 हिस्ट्री शीटर हैं जो लेफ्ट हैंडेड हैं, मगर इनमें से सिर्फ 5 पर ही मर्डर और रेप के केसेस हैं और वो 5 ही जेल के हैं। अगर ये जेल में है तो फिर ये सारे कांड किए किसने? उस दिन को मारने के लिए जैसे नॉट को बांधा गया है, वैसे नॉट उन कैदियों के लिए बांधे जाते हैं जिन्हें सजाए मौत होती है। सर एक्चुअली ये हमसे मिस हो गया था, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने पॉइंट आउट किया है। एक काम करो, गोवा स्टेट में जितने भी जल्लाद हैं उनसे मिलो और बात करो, शायद हमें वहां से कुछ लीड मिले। जी सर। आपके जेल में कोई लेफ्ट हैंडेड मुजरिम था जो रेप और मर्डर के चार्जेस में अंदर था और शायद उसे फांसी का नॉट भी बांधना आता हो? नहीं। ये देखो लंदन की टिकट, ये टिकट ही उस दिन मैं इसको देने गया था रोजलिन को, उसके लिए मैंने लंदन की टिकट बुक की थी। ये देखो PNR भी कंफर्म हो गया था। इस पे तो आज का डेट है। हाँ पर अफसोस कि आज ये सीट खाली जाएगी, रोजलिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए लंदन नहीं जा पाएगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आज तक DK लाइफ में जो भी आया वो बस उन्हें एक्सप्लॉइट करना चाहता था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। दी बहुत खुश थी आपके साथ, आपने उनका बहुत ख्याल रखा। यू डोंट वरी, मैं तुम्हारा और आंटी दोनों का ख्याल रखूंगा। क्या मैं ये टिकट रख सकती हूँ दीदी की याद के लिए? यस ऑफ कोर्स, कीप इट। जब भी मेरे पापा मेरे को कॉल करते हैं ना, एक ही चीज बोलते हैं कि चुपचाप चिपलून आ जा। अब ये बता मैं चिपलून जाके करूंगी क्या? जितना कमा रही हूं गोवा में उतना कर सकती हूं वहां पे काम? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी मुझे अपनी सिस्टर को ना अच्छे कॉलेज में डालना है, और तुझे तो पता ही है कि MBBS का कितना डोनेशन देना पड़ता है। और हां आई वॉन्ट टू ओपन माई ओन रिजॉर्ट। एक काम करते हैं, मुझसे शादी कर ले यार, साथ में रिजॉर्ट खोलेंगे। क्या शादी? शादी कर ले, वो क्या तेरा? चल मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। खत्म तो कर ले। हाँ तो तू कर लियो ना, और इसके पैसे भी बता दियो कि कितने लगे, डच कर ले। खत्म तो कर ले। बाय।
लूटपाट और मर्डर का मामला लगता है। हाँ, बैग से भी कुछ ज्वेलरी और कैश निकाले गए। फॉरेंसिक वाले को कहना है कि किलर लेफ्ट हैंडेड था। सर, वो लोग इतने कंफर्म कैसे हैं? बैग की चैन पर अंगूठे का निशान दाहिनी तरफ, अगर इसे दाहिने हाथ से खोला गया होता तो चैन पर निशान बाईं तरफ होता। इसी से फॉरेंसिक वालों ने अंदाजा लगाया। स्टेफी लेफ्ट हैंडेड थी? नो सर, राइट हैंडेड थी। इस बयान पे साइन करो। कौन? देखो क्या सर, बीड़ी है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसे फॉरेंसिक लैब में, और पता करो इस बीड़ी पे कौन से थंब के निशान है, और जितने भी स्टेफी के करीबी हैं उन सबके सैंपल कलेक्ट करो। सचिन और स्टेफी के जानने वालों में से किसी के भी सैंपल मैच नहीं हो रहे। अगर इनमें से किसी ने भी उसका रेप और मर्डर नहीं किया है तो फिर किसने किया है? स्टेफी के दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है, पहले उस लिस्ट को खंगालना पड़ेगा। उसके कलीग्स उससे बहुत खफा थे। सबसे पहले जितने भी हाल फिलहाल में होटल के स्टाफ नौकरी से निकाले गए हैं पहले उन्हें टैप कर दें। सर। हाँ सर, मैं दीपक बोल रहा हूँ। आपने 15 दिन पहले एक लेफ्ट हैंडेड आदमी के बारे में पूछा था ना? उस वक्त याद नहीं है, लेकिन एक बात है जो मुझे अभी याद आई। सर, एक आदमी था जिसे फांसी का फंदा बनाने में बहुत दिलचस्पी थी, और उसका नाम कब्रे आलम है। 6 महीने पहले बिल पर बाहर आया। सर, तब्रेज आलम, इसके ऊपर टोटल 6 मर्डर और रेप के केसेस थे। एक बार एक कैदी को फांसी लगनी थी तो इसने जल्लाद जयदीप से पूछा कि फांसी का नॉट बांधते कैसे। जब जयदीप ने उससे पूछा कि वो जानना क्यों चाहता है तो उसने कहा कि उसे ये स्टाइल बहुत पसंद आया। इस तब्रेज आलम की पूरी जन्म कुंडली निकालो और इसके डिटेल सारे पुलिस स्टेशन के साथ शेयर करो। जी सर। ये तब्रेज आलम रहता कहाँ है? सर, यहाँ अंजुना का रहने वाला है। हाल ही के कुछ आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान में हर घंटा कम से कम 4 औरतों के साथ बलात्कार होता है और हर दिन लगभग 87 रेप केसेस दर्ज किए जाते हैं। ये आंकड़ा सिर्फ उन अपराधों का है जिन्हें पुलिस स्टेशन तक पहुंचने का मौका मिला। रोजलिन और स्टेफी दोनों के साथ पहले बलात्कार हुआ था जिसके बाद दोनों को जान से मार दिया गया था। शक की सुई अब विक्टिम्स के आसपास के लोगों से हटकर एक ऐसे अपराधी पर थी जिसके कारनामों की फहरिस्त काफी लंबी थी। पति तब्रेज आलम यहाँ आखिरी बार घर पर कब आया था? सर, 3 महीने पहले। आप कब आए? कब से तुझे सोता देख रहा हूँ। मैं लूटने का इंतजार कर रहा था। बहुत इंतजार करवाया तूने। ऐसा लगा कि हमेशा के लिए सुला दूँ। मजाक कर रहा हूँ। तू मायके क्यों नहीं गई? बोला था ना तुझे मायके चले जाने के लिए। यहाँ तेरा रहना ठीक नहीं है। घर में अकेले रहती है, अगर कोई सन की घर में घुस जाए, तेरा रेप कर दे और तुझे मार दे तो? अब जेल से कब छूटे? अरे पागल है साले, किसी और की जगह मुझे पढ़ के ले गए थे। तू सोचा मैं आता जाता रहूँगा? वो साजिद के साथ मैंने नया धंधा शुरू किया है, उसी काम से बाहर जा रहा हूँ। सर घर को सर्च कर रहा था तो ये शर्ट मिली, इसकी एक बटन मिसिंग। इस शर्ट के बटन और क्राइम सीन से मिले बटन को मैच करवा। जी सर। सर, घर में बीड़ी का बंडल भी मिला। ये साजिद वही है ना जिसके साथ तब्रेज भागा था? जी सर। आपने जो फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट भेजी थी वो हमारे क्राइम सीन से मैच करती है। हमें अपने क्राइम सीन पे जो बीड़ी का टुकड़ा मिला था वैसा ही बीड़ी का टुकड़ा आपको तब्रेज के घर पे मिला है। इन दोनों केस में एक्यूज्ड थे। सर, हम बस साजिद के टिप का ही वेट कर रहे हैं। मुझे अभी अभी उसकी टिप मिली। ठीक है सर, हम अभी निकलते हैं। बड़ी पार्टी है, 50 किलो बिरयानी चाहिए। मिलेगा ना भाई? किधर डिलीवरी करना है? गोवा जेल में, जहाँ से तू भागा था। नॉक पे 20 किलो गोश्त लेकर आना है शाम के लिए। लेकिन दुकान तो चल रही है नहीं, रोज 5 किलो गोश्त फेंकना पड़ता है, है? अरे मैं तो कहता हूँ 10 किलो में काम चल जाएगा। 50 किलो दम बिरयानी का ऑर्डर है, लेकिन जल्दी लेकर आना, मसाला तैयार है। आता हूँ।
अब बोल जल्दी जल्दी। अरे यार आप लोगों ने तो दूसरी बार धप्पा कर दिया। तीसरी बार मौका नहीं देंगे, इस बार तुझे अंडा सेल में रखेंगे, वहीं अपनी दुकान डाल लेना। जेल से भागने के बाद तूने अपनी दुकान खोली, चाहता तो इज्जत से जी सकता था, तो फिर वापस ये सब क्यों शुरू किया? साहब जैसे ही मुझे पता चलता है ना कि एक लड़की एक घर में अकेले रहती है, तो मैं सोचने लगता हूँ कि वो अकेले क्यों रहती है, क्या करती होगी अकेले में। फिर मेरे हाथ में खुजली उठती है, मुझे लगता है कि मैं जाऊँ और अभी जाके उसका काम अपन खत्म कर दूँ। सर घर में कैसे घुसता था वो? लड़कियां तुझे अंदर क्यों आने देती थी? अरे सर 4G इंटरनेट है, उसी से तो सीखा मैंने चाबी बनाना। घंटे धीमी आंच पर पकाया है स्पेशल दम बिरयानी, खाओ। अरे मुंह तो लगा लो। फांसी में बड़ा इंटरेस्ट है ना तुझे, अगली बार अपने गले में देख लेना। की गिरफ्त में आने के बाद तबरेज आलम ने ऐसी और 6 औरतों के बारे में बताया जिनके साथ बलात्कार करने के बाद उसने उनकी हत्या की। आज भी उसे अपने किए पे जरा भी पछतावा नहीं है। रोजलिन और स्टेफी दोनों महत्वाकांक्षी लड़कियां थीं जो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही थी। एक इंसान के कुटिल प्रवृत्ति के कारण उनके उज्जवल भविष्य और अभिलाषापूर्ण जीवन को समय से पहले समाप्त होना पड़ा। राक्षसों को मारने वाली देवियां और उन्हें पूजने वाले अब इस देश में सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर इन्हें सुरक्षित कर सकते हैं। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कृपया मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहें और उचित दूरी बनाए रखें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.